सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा हमेशा से अपनी कला और कलाकारों के लिए जानी जाती रही है। यहाँ की रामलीला का मंचन हर जगह गायन के बेहतरीन मिसाल आज भी कायम है। वैसे तो अल्मोड़ा शहर चंद्र राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया शहर है, लेकिन हर दौर में यहाँ कला और संस्कृति की ओर झुकाव बढ़ता ही रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में रामलीला की शुरुआत 1860 में हुई थी। तब अल्मोड़ा में मात्र एक ही स्थान बद्रेश्वर मंदिर पर होती थी। बद्रेश्वर मंदिर से रामलीला उठकर नंदा देवी आ गई, जिसके बाद से अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर से रामलीला की शुरुआत हुई। उसके बाद हुक्का क्लब, धारानोला, कर्नाटक खोला, सरकार की आली, हत्याड़ी, एनटीडी सहित दर्जनों स्थानों में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग रामलीला स्थल पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा रामलीला की एक अलग ही पहचान है, जिसको कुमाऊनी भाषा में चौपाई, राधेश्याम, पीलू, विहाग सहित अन्य रागों में गाई जाती है, जिसका अपना अलग ही पहचान है। कुमाऊनी रामलीला थिएटर पर आधारित है, जिसमें संवाद भी रहते हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ऐतिहासिक रामलीला की बात अगर होती है तो अल्मोड़ा जनपद में सबसे पुरानी रामलीला जो है नंदा देवी की है, जो ऐतिहासिक है, जो लगभग 200 वर्ष से बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, 200 से अभी हो रहा। और मुझे भी लगभग 70 साल होने को हैं, तो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं आज तक यहाँ अभी पार्टिसिपेट किया है, जनपद नगर क्षेत्र में, जनपद में बाहर भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन मुझे जो भी मिला एक आशीर्वाद स्वरूप, यहीं से सब कुछ मिला, इसी के कारण मैं यहाँ बहुत से अभिनय कर पाया। और सबसे ऐतिहासिक चीज़ कहना चाहिए, सबसे पुरानी जो जड़ कहनी चाहिए, धात कहनी चाहिए, वो नंदा देवी की रामलीला है। देखिए, जो ये सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा है और जो यहाँ की रामलीला है वो सबसे प्राचीनतम रामलीला मानी गई है, क्योंकि जो ये रामलीला जो होती है 1865 में डिप्टी कलेक्टर देवीधर जोशी जी मकेरी निवासी जो थे उनके द्वारा यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया। और जब उन्होंने रामलीला का आयोजन किया तो लास्ट दिन उन्होंने वो रामलीला हुई बद्रेश्वर में। अलग अलग जगहों पर अल्मोड़ा की रामलीला गई, बद्रेश्वर से रामलीला टूटते हुए पांडे खोला गई, बद्रेश्वर से रामलीला टूटते हुए चुनेरा मोहल्ले में गई।